बच्चा ने खिलाया रजत को खाना और इस बात से सभी हुई नाराज। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। दिल गुम है किसी के प्यार में कि आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखेंगे कि रजत का खाना पीना सब कुछ घर वालों ने बंद कर दिया है। दरअसल बायकॉट रजत कर दिया है, कोई भी रजत से बात नहीं करना चाहता क्योंकि रजत ने जिस तरह सई के साथ बर्ताव किया वो घर वालों को बर्दाश्त नहीं है और घर वाले एकजुट होकर रजत के खिलाफ ये मोर्चा खोल चुके हैं। रजत को खाना पीना सोना तो बेहाल कर ही चुके हैं, उसके कपड़े तक धोने और इस्त्री करने को नहीं देते। बड़ा ट्विस्ट ये है कि जैसे ही ईशा यानी सवी की माँ को पता चलता है, सवी की माँ हैरान हो जाती है कि आखिर उनका दामाद बाहर से खाना कैसे खाएगा और इसीलिए वो अपने यहाँ घर में खाना बनाकर रजत के ऑफिस भेजती हैं। रजत वो खाना खाता है और बहुत खुश हो जाता है। जब रजत लौटता है तो पहले सवी की आई के घर का बेल दबाता है और उन्हें खाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू कहता है और ये बात सवी सुन लेती है। सवी के घर रजत के पूरे घर वाले भी सुन लेते हैं और सवी भी सुन लेती है। रजत यहाँ इतना ही नहीं, मैम से कहता है कि आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उनके खाने की इतनी तारीफ करता है और सभी ये सब सुन के जल भुन जाती है। सभी को आता है गुस्सा कि आखिर आई बाबा ने उसे खाना क्यों खिलाया, क्योंकि हमने तो एक अलग ही मोर्चा खोल रखा था। खैर कुछ भी हो, लेकिन ईशा आज बहुत खुश है क्योंकि आज पहली बार उनके दामाद ने उनकी इतनी तारीफ की है और उनके दामाद ने उनके हाथ का बनाया खाना खाया है।